हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने लाया हूँ CTP का नया टॉपिक, अनएबिलिटी ऑफ लर्निंग, कि यानी कि हमारी जो पढ़ाई में अक्षमता है वो चार तरह की अक्षमताएं होती हैं। तो आइए हम वीडियो शुरू करते हैं। वो चार तरह की डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती हैं बच्चों में जो मेनली पाई जाती हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर। हमारी जो स्किल होती है ना, एक होता है WRS और एक मैंने लिखा है M, WRSM। ये आपको लर्न रखना है। W मतलब राइटिंग यानी लिखना, R मीन्स रीडिंग यानी पढ़ना, S यानी स्पीकिंग बोलना, और M स्टैंड फॉर मैथ्स। ठीक है, अगर हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम होती है तो वो डिसेबिलिटी कौन कौन सी होती है। पहला है डिस्पेक्सिया, डिसग्राफिया, अपेक्सिया और अग्रेफिया। ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट है, जो हर साल पूछी जाती है, वो डिसग्राफिया है। यानी कि जो मेन जो पूछा जाता है CTET या कोई भी स्टेट टेट का जो पेपर है, लिखने में मेनली डिसग्राफिया ही पूछा जाता है ज्यादातर। दूसरी जो होती है वो पढ़ने में कौन कौन सी होती है, अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। बस आपको लास्ट वाला ये याद रखना है, सिया यहाँ भी सिया, तो अलेक्सिया और डिसलेक्सिया। ठीक है, नेक्स्ट है एस यानी स्पीकिंग, बोलने में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनकी डिसेबिलिटी कौन कौन सी हैं। एक है अफेजिया और डिसफेजिया, तो इसमें ज्या लगा हुआ है लास्ट में, ज्या यानी बोलने में अफेजिया और डिसफेजिया, दो तरह की डिसेबिलिटीज हैं। नेक्स्ट है मैथमेटिकल से रिलेटेड, अगर आपको मैथ से रिलेटेड किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो वो कौन कौन सी होती हैं। पहला होगा लेक्सिकल, ग्राफिकल और वर्बल। ये तीन तो होंगी होंगी, लेकिन इन तीनों के साथ जुड़ा होगा डिसकैलकुलिया, डिसकैलकुलिया। तो यानी कि लेक्सिकल डिसकैलकुलिया, ग्राफिकल डिसकैलकुलिया और वर्बल डिसकैलकुलिया। आई होप कि आपकी समझ में आ गया होगा कि ये लर्निंग डिसेबिलिटी क्या है, और ये हर TET के पेपर में, चाहे वो CTET का हो या किसी भी स्टेट टेट का पेपर हो, इस तरह की डिसेबिलिटी जरूर पूछी जाती है। आज के वीडियो में बस मुझे इतना ही कराना था लर्निंग डिसेबिलिटी के बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग।